सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे करती है लेकिन अनाज की चिंता सरकारों को बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से करोड़ों का गेहूं और धान पूरी तरह बर्बाद हो गए। यह एक दृश्य आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह उन किसानों के मेहनत का फसल है जो पूरे विश्व के पेट को भरने में सहायता प्रदान करता है। कड़ी मेहनत के बाद किसान धूप हो, ठंड हो या बरसात हो, भीग कर, ठंड में तप कर इस फसल को तैयार करने के बाद कुछ सरकारों को सौंपती है और कुछ अपने लिए, खुद के लिए उसे रखने पर सहायता प्रदान करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकारों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए का धान और गेहूं पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां पर जानवर खुलेआम गेहूं और धान को पूरी तरह से खा रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि कोई गरीब वहां से 2 किलो राशन बिना किसी स्वीकृति के उठा ले जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का गेहूं और धान पूरी तरह से बारिश में बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रफल में रखे हुए गेहूं का यह भंडार पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।